Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हस्तिनापुर कौरव पांडव की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। आज भी हस्तिनापुर और आसपास के इलाके में ऐसे अवशेष मिलते हैं जिनसे महाभारत काल के संबंध हैं। मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कौरव और पांडव से जुड़े प्राचीन चिन्ह और अवशेष मिलते रहते हैं। गत शुक्रवार को भी हस्तिनापुर स्थित पांडव टीले से प्राचीन मित्र भांड के अवशेष मिले हैं। इसके आसपास मनुष्य की हड्डियों के अवशेष भी पड़े हुए थे। शोध के दौरान शोधकर्ता प्रियंका भारती को रघुनाथ महल के पास ये अवशेष मिले हैं। आला अधिकारियों ने स्थान और पॉटरी के फोटो भेजने के निर्देश दिए हैं। पुरातत्व विभाग का मेरठ में नया सर्किल बनने से पहले ही हस्तिनापुर की पुरातत्व साइट पांडव टीला पर लगातार कार्य जारी है। पांडव टीले के समीप बने कार्यालय का भी कायाकल्प किया गया है। पांडव टीले की चार दीवारी की मरम्मत और साफ सफाई भी की जा रही है। उम्मीद है कि पांडव टीले के पास जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। शुक्रवार को नेचुरल साइंसेज ट्रस्ट के चेयरमैन व शुभित विवी के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका भारती शोध के लिए पांडव टीला पहुंचे। रघुनाथ महल के समीप एक सुरंगनुमा स्थान नजर आया। बाहरी दीवारों पर कई मृद भांड दिखे। इनको उन्होंने ASI कर्मी अरविंद राणा को सौंप दिया। पांडव टीले से मिले मृद भांड के जखीरे से उच्चाधिकारी हैरत में हैं। शोध को आगे बढ़ाने के लिए और जानकारी मांगी गई है। अब इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ भी बागपत के सिनौली के तर्ज पर ही ब्यूरियल साइट मिल सकता है। प्रियंका भारती ने कहा कि अनेक कालों के अवशेष और मानव हड्डियां मिलने से यहाँ ब्यूरियल साइट हो सकती है। इस स्थान का अभी उत्खनन नहीं किया गया है।